प्रो पंजाली के बहुप्रतीक्षित पहले सीजन का शुक्रवार को नई दिल्ली के आईजीआई स्टेडियम में धमाकेदार आगाज हुआ। पहले दिन लुधियाना लायंस और मुंबई मसल ने क्रमशः किराक हैदराबाद और बड़ौदा बादशाह पर बड़ी जीत हासिल की। भारत की पहली पेशेवर आर्म रेसलिंग लीग का शुभारंभ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी द्वारा किया गया। क्या लड़ाते हुए क्या कहेंगे लीग के बारे में? देखिए, पंजाब प्रो लीग का शुरुआत वैसे 2020 में शुरू हुआ था जी जी, और मुझे खुशी है कि मैं पहले बार जब रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू किया गया था प्रो पंजाब लीग, तब भी मैं उस समय खेल मंत्री था और मुझे आने का मौका मिला। और आज प्रो पंजाब का लीग जब शुरू हुआ उसमें भी मैं यहाँ आकर के बहुत ही उत्साहित हूँ। सबसे पहले तो पंजाब एक ऐसा खेल है सबको उत्साहित करता है जी, और ये आम लोग गांव-गांव से लेकर के शहर तक सब लोग इसको देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें जोश भी है, ताकत भी है, इसमें एंड्योरेंस है, स्टेमिना है, टेक्निक है, सब कुछ है, स्किल भी है। और जो उत्साहित लोगों में देखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रो पंजाब लीग बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट के रूप में उभर के आ रहे हैं और बहुत बड़ा सफलता प्राप्त करेगा। सर, इसका फ्यूचर इंडिया में कैसे देखते हैं? आपके पास खेल और स्पोर्ट्स में और संस्कृति में क्या समाज? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है, कोई भी इंसान और जो भी जिम्मेदारी हो, खेल को सब सपोर्ट करना चाहिए। खेलो इंडिया और फिट इंडिया, नरेंद्र मोदी जी ने जब ये शुरू किया तो इसका मतलब क्या है? हर एक आदमी को खेल से जुड़ना चाहिए। आप खिलाड़ी बन सकते हैं या आप खेल प्रेमी बन सकते हैं, लेकिन खेल को प्रोत्साहित करना चाहिए और फिट इंडिया, सबको फिट रहना है। देखिए, पंजाब तो जिसमें दम है वही खेल सकते हैं, लेकिन आप तालियां तो बजा सकते हैं। इसलिए प्रो पंजाब लीग बहुत ही रोमांचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ये एक उत्साहित करने वाला टूर्नामेंट है। इस प्रो पंजाब लीग के शुभ अवसर पर मैं प्रवीण दवा जी और प्रीति जी को, जो दोनों को फाउंडर्स हैं, बहुत बहुत मेरा तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देता हूं, और खिलाड़ियों को और जितने टीम्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी मेरा तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसकी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग गेम रहा। आपने भी एक फिल्म इंडस्ट्री के बाद आपने स्पोर्ट्स को जो अपने अपने लेवल पर लिया और आज उसकी शुरुआत हो गई है, बड़ा अच्छा लगा। बड़ी लोगों की बड़े एप्रिशिएट मिल रहा है, लोग दूर टेलीविजन तक भी देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही रोमांचक और एक्साइटिंग स्टार्ट हुआ है। और इतने सालों से पंजाब प्रो पंजाब लीग पर मेहनत कर रहे हैं, तो आज उसका एक जन्म हुआ है, एक शुरुआत हुई है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपकी टीम का स्पिरिट कैसे रहेगा? टीम का स्पिरिट तो मैं हर टीम के लिए चीयर करूंगी, क्योंकि सारी टीम मेरे पंजाब के ही हैं, तो मैं सारे टीम्स को चीयर करूंगी, चाहे वो मुंबई मसल हो, चाहे वो किराक हैदराबाद हो, चाहे वो कोची केडीज हो, चाहे वो लुधियाना लायंस हो, चाहे वो बड़ौदा बादशाह हो, लोगों में खेल की भावना जागे उस तरीके से कह देखते, क्योंकि गेम तो जमीनी जुड़ा हुआ गेम है जी, तो उस जमीनी जुड़े गए गेम को लोगों तक कैसे पहुंचे, उनके भावना कैसे जागृत होगी? देखिए, आज मुझे लगता है लोगों ने देख लिया है कि एक बहुत टेक्निक का भी खेल है और उन्होंने थोड़े थोड़े रूल्स भी सीख लिए हैं। इस गेम में सिर्फ ताकत नहीं लगती, इस गेम में बहुत टेक्निक भी लगता है और काफ़ी रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है, एथलीट को काफ़ी डिसिप्लिन भी रहना पड़ता है। ये बहुत सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सोचते थे कि आर्म रेसलिंग या पंजा एक सीरियस खेल नहीं है, आज मुझे लगता है हमने ये साबित कर दिया कि ये बिल्कुल सच नहीं है। ये आर्म रेसलिंग बहुत ही सीरियस और बहुत ही मुश्किल टेक्निक वाला गेम है और फॉलो करने में भी, देखने में भी बहुत रोमांचक है, बहुत एक्साइटिंग। सर, गेम तो आपने जमीन को उतार दिया बहुत बेहतर तरीके से, थैंक यू, और लोगों को भी पसंद आ रहा है, लोग जुड़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ गेम पंजा घर से लेकर हर मतलब खेला जाता था ये, और आज आपने उस पर प्लेटफॉर्म दिया?
खेला जाता था, अभी भी खेला जा रहा है, और ये अभी और भी बड़े तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से लोगों के सामने आ गया है कि इंटरनेशनली भी कैसे खेला जाता है। भारत के अंदर भी जो एमेचर एथलीट से इतने साल से जो खेल रहे हैं, उनकी पहचान हो गई, आज उनकी पहचान हो जाएगी, और बहुत ही इसको इंटरेस्टिंग तरीके से लाया गया है, जिसको आप टीवी पे देख सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से टीवी गेम भी अभी हो जाएगा, अभी हमने चालू किया है तो हो जाएगा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सोनी का, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क का, जिसने हमको इतना सपोर्ट किया। बहुत पहले का है, जमीन से जुड़ा हुआ गेम है, घर घर में खेला जाता था, कहीं भी क्लब में खो जाता था, कहीं भी कुछ हो जाता था। आज ये प्लेटफॉर्म ऐसा मंच मिला है, आपको कैसा लगा है? अब ये मंच मिला आपको, बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारे बीच आए और शुक्रिया आप लोगों का। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रो पंजा टीम की, पूरी लीग की पूरी टीम को, साथ ही प्रवीण डबाज जी, निगरानी मैम, उनका बहुत धन्यवाद। आपको प्रीति निगरानी मैम के बारे में बताना चाहूँगा कि वो भारतीय अभी पी एफ आई पीपल सामर्थिक फेडरेशन की अध्यक्ष महोदय हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये हमारे को जो प्रो पंजा का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, भारत के इतिहास में पहली बार जैसे आईपीएल है और प्रो कबड्डी है, उस तरह हमको ये प्लेटफॉर्म दिया गया है सब खिलाड़ियों को। हम बहुत खुश हैं और बहुत लकी हैं जो इस पीरियड में हमको, हम सब खिलाड़ियों को, मैं लुधियाना रॉयल्स का मैनेजर हूँ, और बहुत खुश हूँ कि आज मेरी टीम बहुत गर्व के साथ नंबर वन पॉइंट में चल रही है। प्रो पंजा की टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम ऋषभ जैन है, मैं लुधियाना लॉयंस का टीम मैनेजर हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ में मैं तकनीकी सलाहकार हूँ, मुख्य कोच हूँ और चीफ रेफरी भी हूँ छत्तीसगढ़ का, मैं साथ ही मैं राष्ट्रीय स्तर पर रेफरी हूँ, और इस आयोजन में मैं लुधियाना लॉयंस का मैनेजर हूँ। थैंक यू। कैप्टन और आपका जो साथी है, उसने बहुत बढ़िया गेम खेला, ये लड़के ने आज तक मेरे को खुश कर दिया, मेरे कैप्टन बनने का मुझको गर्व है कि मैं सिर्फ कैप्टन हूँ। क्योंकि जब प्रो पंजा से पहले, जब सिर्फ पंजा के टाइम पे हमको इतना फैसिलिटी नहीं मिला था, और एक हम सोच भी सकते थे नहीं कि टीवी पे भी आ सकता है पंजा, और इतना ऑडियंस रहेगा, इतना उसका जो हाइप रहेगा एकदम से, और जो प्लेयर के अंदर जो जोश है पंजा जीतने का, तो शायद ही लुधियाना लॉयंस के अलावा किसी और प्लेयर्स में है। तो ये लुधियाना लॉयंस का शेयर है, आज इसने ओपनली जो इंडिया में इन दोनों के, एक शोएब अख्तर हैदराबाद किराज का और सचिन तोमर लुधियाना लाइन्स का, इन दोनों के बीच में लास्ट टू मंथ से राइवलरी चल रही कि सचिन जीतेगा, शोएब जीतेगा, सचिन जीतेगा, शोएब जीतेगा, लेकिन आज इस लड़के ने पोस्ट करके दिखाया कि लुधियाना लाइन्स इज ओरिजिनल लॉयन, असली का शेर है। तो ये मतलब असली का शेर है। और बाकी रहा प्रो पंजा का सवाल, तो थैंक यू प्रवीण धवाज सर, प्रीति मैम, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, इतना बड़ा प्रसन्न दिया हमें कि हम आज टीवी पे आके हम एक परफॉर्मेंस देते, और उस टीम को मैं कैप्टन।